हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवशंकर बायोलॉजी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग का चल रहा था बीसीएस प्लस नीट एग्जाम 2021 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स का। देखिए, संचार का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, थोड़ा समझ लीजिए संचार से थोड़ी सी कि संचार व्यवस्था का जो मूल इकाइयां होती है क्या क्या होती है। वीडियो पूरा देखिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, संचार व्यवस्था की मूल इकाई क्या क्या होता है समझिएगा। यहाँ पे कहता है संचार क्या होता है, तो संचार शब्द का मतलब क्या होता है कि नहीं। तो संचार का मतलब होता है, संचार शब्द का ही मतलब होता है किसी भी सूचना को भेजना, किसी भी सूचना को भेजना और ग्रहण करना और उस सूचना को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के द्वारा विद्युत ध्वनि तरंगों में या विद्युत ध्वनि संकेतों में बदल देना, यही काम होता है। तो जैसे संचार व्यवस्था के लिए कोई सूचना उत्पन्न हुआ, सूचना चाहे एक विचार से हो, एक कल हो, चाहे ढेर सारे बातों मिलकर के सूचना, अरे आप फोन पे बात करते हैं, फोन पे बात करते हैं ना, तो फोन पे बात करने पर क्या होता है कि हम मन में पहले इतना सारा विचार भर लेते हैं, क्या क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, पापा है, मम्मी है, जो भी हो, फोन लगाते हैं। फोन लगाने के बाद जो हम बोलते हैं ना, तो क्या होता है, हमारी मुख जो है सूचना का क्या कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, सूचना यहां से निर्माण हो रहा है, क्या क्या बोलना है, यहां से निर्माण हो सूचना संकेत। फिर उसे प्रेषक के द्वारा, प्रेषक में क्या हो गया, प्रेषक में जैसे मोबाइल है, तो मोबाइल के अंदर जो मशीन है, उपकरण है, अरे मोबाइल है ना जी, मोबाइल के अंदर जो मशीन है, उपकरण है, जैसे ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर होता है, तो ये सारी जो उपकीट वगैरह जो ट्रांसमीटर है, डायोड, बहुत सारे चीज उसके अंदर मौजूद होता है, तो क्या होता है, प्रेषक हो गया, वो आपका प्रेषक हो गया, वो आपके सूचना को एक जगह, उपकरण जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वो विद्युत संकेत में परिवर्तित कर रहा है, यही काम करता है। ध्यान समझिएगा, हमारा जो मोबाइल पर हम बात करते हैं, मान लीजिए मोबाइल पर किसी से बात कर रहे हैं, तो सूचना कहां से उत्पन्न हो रही है, हमारे मुख से, हमारी मुख से क्या हो रही है, सूचना बातों का निर्माण हो रहा है, बात बोल रहे थे यहां से उत्पादन हो रहा है, सूचना का संकेत का उत्पादन हो रहा है। मोबाइल जो है जिसके सहारे से हम बात कर रहे हैं दूसरे दूर बैठे व्यक्तियों के पास, तो मोबाइल जो है प्रेषक का काम है, उसके अंदर ट्रांसमीटर लगा हुआ है, तो हम जो बोलते हैं वो मोबाइल क्या करता है, मोबाइल के ट्रांसमीटर, उस सारे उपकरण मोबाइल में जो इतने भी उपकरण लगे होते हैं, वो उपकरण हमारी सूचना को क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण द्वारा विद्युत संकेत में बदलता है। अब विद्युत संकेत में बदलने के बाद किसी के तो सहारे जाएगा ही, किसी के सहारे तो जाएगा ही, तो जाने के लिए चाहे कोई लिंक या चैनल होता है नहीं होता, टावर होता है, जगह जगह पे टावर होते हैं, लगाए जाते हैं, यहां से बोलते हैं तो विद्युत उपकरण के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम, विद्युत ध्वनि संकेत के रूप में टावर से होते हुए संचार दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचता है। अब दूसरे व्यक्ति के पास कैसे पहुंचेगा, तो दूसरे व्यक्ति के पास, उसके पास एक ग्राही होता है, संग्राहक, फोन होता है, वो भी तो फोन से ही बात करेगा, तो उसके मोबाइल में प्रवेश किया, तो वहां पे जो हमारी ध्वनि विद्युत संकेत थी, ध्वनि के रूप में बदला हुआ, वो जमा होता है उसके मोबाइल पे, और एक जमा होता है कहां पे, साउंड के पास, एक साउंड लगा होता है, अरे मोबाइल में साउंड होता है, साउंड के पास जमा हुआ, और साउंड के पास जमा हुआ यानी ग्राही हो गया, संग्राहक हो गया, वो एक जगह जमा करता है जो भी आप बोलते हैं, और उसको फिर निकालता है, साउंड के माध्यम से निकालता है कि नहीं निकालता है, जो भी निकाल देता है तो हमारे कान में वो आवाज जाता है, तब सुनते हैं, समझ मारी बात, हम साउंड लेते हैं, समझिएगा, ये एक साउंड बॉक्स है, ये एक साउंड बॉक्स है, साउंड बॉक्स है, यहां पे मशीन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, मशीन लगा हुआ है, इसका कोड जो है इसमें लगाए, तो कोड क्या, चैनल लगाए इसमें, ठीक है, टीवी देखे हैं, टीवी छोड़िए, हटाइए, टीवी समझिए,
टीवी क्या होता है समझिएगा। देखिए टीवी देखे है ना, आपके घर में टीवी लगा होगा, टीवी में एक छतरी छत पर लगा हुआ होगा, छतरी लगा रहता है ना सबके छत पर, और नीचे रूम में कहीं पे टीवी होता है, होता है कि नहीं होता है। तो यहां पे क्या होता है, ई एंटीना है, तो जो भी वहां से जो जिसका चैनल है, जो भी चैनल जो है वहां से क्या करता, जो भी फिल्में है उसकी पिक्चर और उसकी ध्वनि विद्युत संकेत में और कौन बदलने का काम करता है, प्रेषक, जिसको संप्रेषक बोलते हैं, ट्रांसमीटर, और ट्रांसमीटर के अंदर एक ट्रांसड्यूसर लगा होता है। क्या लगा होता है, ट्रांसड्यूसर, समझ में आ रही बात, ट्रांसड्यूसर लगा होता है। क्या करता है कि यहां से जो भी विद्युत उपकरण को विद्युत ध्वनि के तरंग के संकेत के रूप में गया, एंटीना द्वारा कैप्चर करता है, और यहां से एक तार लगा होता है जो आपके टीवी के पास, तो तार क्या हो गया, लिंक हो गया, चैनल हो गया, और यहां पे क्या हो गया, आपका ये एंटीना हो गया, और ये टीवी क्या हो गया, एक ग्राही हो गया, एक जगह एकत्रित होता है, और उसके बाद ये निर्गत यहां से स्क्रीन जो होता है, स्क्रीन से निकलता है, हम लोग देखते हैं टीवी चल रहा, बाबा क्या मजा आ रहा, बाहुबली 2 लगल है कि नहीं है, समझिए। तो संचार व्यवस्था की जो मूल इकाइयां है वो चार है, कौन कौन, एक सूचना, दूसरा संप्रेषक, तीसरा संचार चैनल, और चौथा ग्राही, यानी किसी सूचना किसी संदेश को, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी संदेश को पहुंचाना सूचना कहलाता है। तो सबसे बढ़िया सूचना हुआ, कोई सूचना रहेगा तब ना संचार होगा जी, सूचना व्यवस्था। अब संचार व्यवस्था उन्नत समझ रहे, रेलवे, हवाई जहाज, गाड़ी, वो परिवहन नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहे हैं, सूचना इन्फॉर्मेशन। तो पहला क्या हो गया, मूल इकाई, इसकी सूचना होनी चाहिए, क्या हमको भेजना है, कुछ भी जो बोलना है बोलते हैं। दूसरी बात संप्रेषक, संप्रेषक को ट्रांसमीटर कहते हैं, समझिएगा ये क्या होता है, बढ़िया से समझना है। संप्रेषक देखिए, संप्रेषक जो होता है, समझना है इसको बढ़िया से, एक एक बात समझना है। देखिए संप्रेषक में आपका क्या क्या पार्ट होता है, ट्रांसड्यूसर होता है, मॉड्यूलेटर होता है, एम्पलीफायर और एंटीना होता है। अब यहां पे बात करते हैं ट्रांसड्यूसर का क्या काम होता है, ट्रांसड्यूसर क्या एग्जाम में पूछेगा इसलिए समझिएगा। ट्रांसड्यूसर क्या करता है कि जैसे कोई ध्वनि है तो उस ध्वनि को क्या कर, ध्वनि जो तरंग है उस ध्वनि तरंग को क्या करता है कि विद्युत संकेत में ही बदल देता है, समझ रहे हैं, यानी ट्रांसड्यूसर का काम होता है कि ध्वनि तरंग को विद्युत संकेत में बदलना, समझ गए आ रही बात, समझ रहे बात, फिर से एक बार समझिएगा। देखिए ध्वनि तरंग और विद्युत संकेत, तो संप्रेषक जो होता है, इस प्रेषक जो होता है, ट्रांसमीटर जो होता है, इसका काम यही होता है कि जो इसे मोबाइल पे बताए, हम कुछ बोलते हैं ध्वनि निकल रहा, उसको विद्युत संकेत में बदलता है, कौन, हमारे मोबाइल में जो लगा हुआ ट्रांसमीटर, और ट्रांसमीटर में कौन होता है, ट्रांसड्यूसर, ये ध्वनि तरंग को विद्युत संकेत में क्या करता है, बदलता है। अब मॉड्यूलेटर जो होता है, मॉड्यूलेटर का काम होता है कि जो बदला गया विद्युत संकेत है, इस विद्युत संकेत को ध्यान से समझना है, एक एक बात समझना है और लाइक भी करना है, ये क्या करता है कि जो विद्युत संकेत होता है उसको उच्च आवृत्ति ध्यान से समझिएगा, मॉड्यूलेटर का काम होता है कि उन विद्युत संकेत जो यहां पे बना वो क्या करता है कि विद्युत संकेत उच्च आवृत्ति वाहक तरंग के ऊपर अध्यारोपित होता है। अभी जब अध्यारोपित होता है उच्च आवृत्ति वाहक तरंग के ऊपर, तो ये फिर एम्पलीफायर काम करता है।
अब एम्पलीफायर क्या करता है कि जो भी उच्च आवृत्ति वाहक तरंग विद्युत संकेत क्या हुआ अध्यारोपित हुआ विद्युत संकेत इसके ऊपर, तो क्या करता है कि एम्पलीफायर जो है विद्युत संकेत के शक्ति को बढ़ाता है, क्या करता है शक्ति को बढ़ाता है, शक्ति को बढ़ाता है। अब जब शक्ति बढ़ाता है तो एंटीना क्या करता है कि जो भी शक्ति यहां पे बढ़ा दिया तो एंटीना क्या करता है फिर विद्युत संकेत को क्या करता है, विद्युत संकेत को आकाश में उत्सर्जित करता है, क्या करता है आकाश में उत्सर्जित। चलिए आगे देखिए, समझ में आ रही बात। तो यहां पे फिर से समझिएगा कि ट्रांसमीटर जो होता है, संप्रेषक जो होता है, इसमें ट्रांसड्यूसर मॉड्यूलेटर एम्पलीफायर और एंटीना होता है। ट्रांसड्यूसर का काम है ध्वनि, किसी भी ध्वनि तरंग को विद्युत संकेत में वो क्या करता है बदलता है, और मॉड्यूलेटर का फिर काम होता है कि विद्युत बदले गए विद्युत संकेत को उच्च आवृत्ति वाहक तरंग के ऊपर अध्यारोपित होना, और एम्पलीफायर का काम होता है कि जो अध्यारोपित हो गया विद्युत संकेत उस विद्युत संकेत के शक्ति को बढ़ा देना। अब एंटीना का काम होता है, जब शक्ति बढ़ जाता है तो एंटीना का काम होता है आकाश में उस विद्युत संकेत को उत्सर्जित कर देना। अब उत्सर्जित होता है अब टावर के माध्यम से, तो उत्सर्जित कैसे होगा, उत्सर्जित होने के लिए फिर क्या चाहिए, लिंक कोई चाहिए, चैनल चाहिए। तो संचार चैनल क्या क्या हो सकता है, संचार चैनल आपका टेलीफोन हो सकता है, टेलीफोन का जो टावर है सब हो सकता है कि नहीं हो सकता, यही होगा। तो फिर क्या आकाश में उत्सर्जित होता है, अब उत्सर्जित होता है टावरों के माध्यम से हमारे पास आता है, फोन पे बात करते हैं तो यही चीज होता है कि हम फोन पे बात करते हैं ध्वनि तरंग को विद्युत संकेत में बदलता है, फिर मॉड्यूलेटर हमारे यहाँ मोबाइल में जो होता है विद्युत संकेत उच्च आवृत्ति वाहक तरंग में बदलता है, उसके ऊपर अध्यारोपित होता है, और एम्पलीफायर जो उसकी शक्ति को बढ़ाता है, और एंटीना आकाश में उत्सर्जित करता है हमारे विद्युत शक्ति को, तो दूर बैठा व्यक्ति उस सुनता है चैनल के माध्यम से, यानी लिंक के माध्यम से। लिंक क्या होता है, टावर होती है, समझ मारी बात। चैनल की बात करें, लिंक की बात करें, तो चैनल जो लिंक है ना आपका, वो आपका आकाशीय माध्यम भी हो सकता है, प्रकाशीय तरंग भी हो सकता है। तो देखिए, अगर ग्राही की बात करें, ये था आपका ट्रांसमीटर, इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर हम ग्राही की बात करें, ग्राही समझिएगा, अभी जो बताए इस ग्राही को रिसीवर, जहां पे जाकर कोई भी संकेत क्या होता है जमा होता है, तो यहाँ इसका क्या होता है काम, ग्राही में एक आपका होता है, ये ग्राही का पहला काम होता है कि संकेत को ग्रहण करना, क्या करना, संकेत को ग्रहण करना। अब इसमें डीमोडुलेटर है वो लगा होता है, समझिएगा बढ़िया से, डीमोडुलेटर लगा होता है। अब डीमोडुलेटर का क्या काम होता है कि जैसे हम वहां पे मॉडुलेटेड संकेत को, यानी विद्युत संकेत को उच्च आवृत्ति वाहक तरंगों पर अध्यारोपित हुआ था, तो उसको क्या करता है कि डीमोडुलेटर का काम होता है इस जगह पे ग्राही में, कि जैसे साउंड क्या है एक जगह जमा होता है तो उसमें डीमोडुलेटर लगा होता है। डीमोडुलेटर का क्या काम होता है साउंड में, आपका यह सारे काम तो कुछ लगा कराए, खाली माइक्रोवेव आवे कर, अरे बाबू मशीनवा में। तो डीमोडुलेटर का काम क्या होता है कि कोई विद्युत संकेत जो था, उस विद्युत संकेत यानी मॉडुलेटेड जो संकेत था, तो मॉडुलेटेड संकेत जो था और ध्वनि संकेत दोनों मिलके आ रहा था आकाश में, दोनों मिलके उत्सर्जित हो रहा था, तो दोनों ध्वनि को, ध्वनि तरंग को क्या करता है, अलग अलग करना, अलग ही करता है। अब इसमें मॉडुलेटर होता है, तो मॉडुलेटर का जो होता है ना काम, तो मॉडुलेटर का इसमें काम होता है कि जैसा दुर्बल कोई ध्वनि है, उस दुर्बल ध्वनि को क्या शक्ति प्रदान करना, दुर्बल ध्वनि को क्या काम है इसका, शक्ति प्रदान करना, मॉड्यूलेटर। अब इसमें एक और सबसे नीचे में होता है ट्रांसड्यूसर, तो ट्रांसड्यूसर इसमें भी होता है, तो ट्रांसड्यूसर का काम होता है कि जैसे अब यहां पे शक्ति प्रदान हुआ, तो आपका देखिएगा बढ़िया समझिएगा, संकेत में ग्रहण करता है डी मॉड्यूलेटर विद्युत संकेत ध्वनि तरंग संकेत जो है इस सबको क्या करता, अलग करता है,
फिर डी मॉड्यूल आईवी, फिर मॉड्यूलेटर का काम होता है कि जो दुर्बल ध्वनि तरंगें हैं उसको शक्ति प्रदान करना। ट्रांसड्यूसर फिर इसमें ग्राही में होता है, तो ट्रांसड्यूसर का जो काम होता है वो काम होता है कि जैसे कोई यहां से विद्युत संकेत के रूप में आकाश में उत्सर्जित हुआ था ध्वनि तरंग, तो यहां पे कि ट्रांसड्यूसर का फिर उल्टा काम होता है कि वही विद्युत संकेत में जो बदला गया था उस विद्युत संकेत को फिर से ध्वनि तरंग संकेत में बदलना, तब हमें सुनाई देता है कान में। समझ में आ गई बात? तो स्टूडेंट्स ये था आपका, समझ में आया ही होगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए।